गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार चित्तोड़ा, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल और प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बारा, एक बार फिर आपके समक्ष मेरा नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था फाइनल ईयर मैकेनिकल की सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग और हीट ट्रांसफर में कूलिंग टावर के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने कूलिंग टावर के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। हमने कूलिंग टावर की वर्किंग के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने नेचुरल ड्राफ्ट टाइप ऑफ कूलिंग टावर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो के अंदर फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर और इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा इस चित्र में बताया गया है कि विभिन्न इंडस्ट्रीज में किस तरह से फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर लगे रहते हैं, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि सीरीज में फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर लगे हुए हैं। हम इसको फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जो एक फैन लगाया हुआ है जिसकी सहायता से हम ड्राफ्ट को मेंटेन करेंगे, और ये फैन हम देख रहे हैं कि बॉटम के टावर के बॉटम के ऊपर लगाया हुआ है। इसकी वर्किंग को हम इस चित्र की सहायता से आसानी से इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फैन लगा हुआ है। इस फैन की सहायता से एयर इस कूलिंग टावर के अंदर एंट्री करती है। इसके टॉप के ऊपर हम देख रहे हैं कि हॉट वाटर आ रहा है, ये एक हेडर में जाता है। हेडर के अंदर कई सारे स्प्रे लगे रहते हैं, स्प्रे नोजल्स लगे रहते हैं, उनकी सहायता से जो हॉट वाटर होता है वो इसके अंदर स्प्रे होता है। इसके टॉप के ऊपर एक वाटर एलिमिनेटर लगा हुआ है जिसे हम ड्रिफ्ट एलिमिनेटर भी बोलते हैं, जिसका फंक्शन ये होता है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स को एटमोस्फेयर को नहीं जाने देता है। इसके बॉटम के अंदर एक कोल्ड वाटर टैंक होता है जिसके अंदर जो वाटर कूल डाउन हो जाता है उसको कलेक्ट कर देते हैं। अब ये किस तरीके से काम करते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो हॉट वाटर कंडेंसर से आ रहा है वो सबसे पहले हेडर में आएगा। हेडर के अंदर कई सारे नोजल्स लगे हुए हैं, वो नोजल्स उसको स्प्रे फॉर्म के अंदर कूलिंग टावर के अंदर स्प्रे करेंगे। इधर से एक जो फैन लगा हुआ है वो फैन बाहर से एटमोस्फेरिक एयर को सक करके कूलिंग टावर के अंदर भेजेगा। ये दोनों जो हॉट वाटर जो स्प्रे फॉर्म के अंदर आ रहा है और एयर जो आपकी एटमॉस्फेयर से आ रही है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि कुछ जो गर्म पानी होता है वो इवेपोरेट होता है और उसका टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है, अर्थात हॉट वाटर अपने हीट ट्रांसफर एयर को कर देता है। तो जो एयर को करके उसका टेम्परेचर कट जाएगा, वो कूल डाउन हो जाएगा। कूल डाउन होने के पश्चात वो तो बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा और हॉट एयर जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी तो वाटर एलिमिनेटर से टकराएगी, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर से टकराएगी। जब ये ड्रिफ्ट एलिमिनेटर से टकराएगी तो यदि इसके अंदर कुछ पानी की बूंदे हैं, यदि बड़ी ड्रॉपलेट्स हैं, तो वो इससे टकरा करके वापस नीचे ड्रॉप डाउन हो जाती है और मॉइस्ट एयर, हॉट मॉइस्ट एयर होती है वो एटमॉस्फेयर को आपको चली जाती है। कई प्रकार के फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर फैन, सेंट्रीफ्यूगल फैन बॉटम, सेंट्रीफ्यूगल फैन जो होते हैं वो बॉटम्स में भी लगे होते हैं। उसके नीचे की तरफ हम साइड के अंदर पॉन्ड को साइड के अंदर बना देते हैं, वो डिजाइन का डिफरेंस होता है। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट और वर्किंग जो होती है फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर की वो इसी प्रकार से आपकी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर। जैसा चित्र में बताया गया है, ये इंडस्ट्री का फिगर लिया हुआ है। इंडस्ट्री के अंदर किस तरह से इंड्यूस ड्राफ्ट कूलिंग टावर लगे होते हैं, इसके अंदर देखिएगा जो टॉप पे जो आपको देख रहे हैं, यहाँ इसके अंदर फैन लगा होता है। ये कूलिंग टावर की कंप्लीटली बॉडी है और इसके नीचे यहाँ से एयर सक करती है। ये आप देखिएगा सपोर्ट के ऊपर लगे हुए हैं। इसके नीचे आपका ये कूलिंग पॉन्ड है जिसके अंदर पानी ठंडा होकर के कलेक्ट होता है इस तरीके से। और यदि इसके अंदर कोई भी रिपेयर करने के लिए हम देख रहे हैं सब जगह स्टेयरकेस भी बनाई हुई है। इस तरह का अरेंजमेंट जितने भी बड़े प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के अंदर बेसिकली इस तरह का अरेंजमेंट होता है। अब इसके आंतरिक रूप से ये किस तरह का बना होता है, इसकी आंतरिक संरचना को हम इस चित्र की सहायता से बड़े अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर एक फैन मोटर लगी हुई है। ये फैन मोटर के साथ गियरिंग अरेंजमेंट कनेक्टेड होते हैं जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसके नीचे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है। ये जो चीज आप देख रहे हो नंबर 4 के जो है फैन लगे हुए हैं आपका, ये फैन इस फैन मोटर की सहायता से मूव करता है। ये कूलिंग टावर की बॉडी है पूरी की पूरी आपकी, जिसे टावर केस भी बोलते हैं। नंबर 3 जो है वो टावर केस है। नंबर 2 जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बॉटम के अंदर वायर मेस लगी हुई है। बेसिकली ये वायर मेस जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था जब पार्ट्स ऑफ कूलिंग टावर डिस्कस किया था, वायर मेस बेसिकली जो एटमॉस्फेयर से एयर आ रही है उस एयर के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं आ जाए,
कोई अनवांटेड मटेरियल नहीं आ जाए उसको ये रोक लेती है बेसिकली। इसके अलावा नंबर इसके ऊपर आपका यहां पर एक हेडर बना होता है, नंबर 5 जो है ये हेडर बना होता है, टॉप से जो कोल्ड वाटर आ रहा है वो इस हेडर के अंदर आता है और इसके अंदर कई सारे स्प्रे नोजल्स आपके लगे होते हैं। नंबर 6 ड्रिफ्ट एलिमिनेटर है। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर का फंक्शन मैं पिछले चित्र में भी समझा चुका हूं, वो बेसिकली किसी भी हाई मॉइस्ट एयर जो किसी भी मॉइस्ट एयर जो होती है उसके अंदर यदि पानी की क्वांटिटी ज्यादा है तो बड़ी बूंदे हैं पानी की तो उनको ये वापस ड्रॉप डाउन कर देती है। नंबर 7 जो आप देख रहे हो ये फिलर मटेरियल है। ये जैसा मैंने पहले पार्ट ऑफ कूलिंग टावर डिस्कस किया था तब भी फिलर मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था, ये बेसिकली हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ाने के काम में आता है। इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आजकल घर घर के अंदर इस तरह का फिलर मटेरियल अवेलेबल होता है। जो घरों के अंदर आजकल वाटर कूलर लग रहे हैं उसके पीछे जो हनी पेड लग रहा है वो बेसिकली फिलर मटेरियल उसी तरीके का होता है। ये इसके नीचे यहाँ पर वाटर बेसिन बना होता है जिसके अंदर ऊपर से जो भी पानी आएगा वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। ये सपोर्ट के ऊपर लगे हुए हैं, ये सारे सपोर्ट आप यहाँ पर भी सपोर्ट लगे हुए हैं और ये पूरा का पूरा जो बेस है ये भी आपका किसी न किसी सपोर्ट के ऊपर आपका लगा हुआ है। ये फैन गार्ड है बेसिकली जो आप ऊपर देख रहे हैं। लेडर इधर लगा हुआ जो ऊपर चढ़ने के लिए होता है यदि कोई भी मेंटेनेंस आपको करनी है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट पार्ट्स इसके अंदर बेसिकली आपके अरेंज्ड होते हैं कि किस तरह अरेंज्ड होते हैं। अब ये सारे किस तरीके से काम करते हैं उसको हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम की सहायता से इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखिएगा इसके अंदर जैसा वहां चित्र के अंदर हमने देखा एयर बॉटम से एंटर कर रही है, वहां फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर में हमने क्या देखा था कि फैन आपका यहां लगा हुआ था बॉटम के ऊपर, लेकिन इंड्यूस ड्राफ्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि अंदर से हवा को खींच रहे हैं। जब आप अंदर से हवा को खींचेंगे तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, इसे बोलते हैं इंड्यूस ड्राफ्ट। तो यहां पर टॉप पे एक फैन लगाया हुआ है, ये फैन आपका मूवमेंट में आता है तो अंदर से हवा को खींच करके बाहर भेजेगा। जब ये अंदर से हवा खींचेगा यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो एटमोस्फेयर से एयर इसके अंदर आपकी सक करेगी तो वायर में इसके थ्रू एयर आपकी जाएगी, जिसके सर्कुलेशन को हम इस चित्र में भी समझ सकते हैं। यहाँ पर एक सर्कुलेशन दिखाया हुआ है, एयर आ रही है आपकी, ये देखिए आप यहाँ पर एयर आ रही है। तो ये एयर आपकी यहाँ आकर के सबसे पहले फिलर मटेरियल से जा रही है, जो मैंने पहले वहां पर भी पिछले चित्र के अंदर भी अपन ने डिस्कस किया था, पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था। और गर्म पानी जो पंप की सहायता से, जो गर्म पानी होता है वो वार्म वाटर आपका कंडेंसर से, ये वार्म वाटर आ रहा है, ये आपका यहाँ पर वाटर डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है, एक हेडर लगा हुआ है, हेडर के अंदर नोजल लगे हुए हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये नोजल सिंबल्स बना रखे हैं। यहाँ से स्प्रे फॉर्म के अंदर वाटर आता है, नीचे से एयर आती है। इस फिलर मटेरियल के अंदर क्योंकि बहुत सारे ये पोरस होता है तो ऊपर से एयर भी इससे क्रॉस कर सकती है और पानी भी इससे क्रॉस कर सकता है, कई सारे टुकड़ों में बट करके, कई सारी छोटी छोटी बूंदों में बट करके, अर्थात इसके अंदर हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है, अल्टीमेटली वो हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा देता है। तो क्या होता है बेसिकली हॉट वाटर जो होता है जब इस ठंडी एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो कूल डाउन हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है और एयर आपकी हॉट होती चली जाती है। जो एयर हॉट होती चली जाएगी ऊपर से एक पंखा इसको खींच रहा है तो एयर आपकी ऊपर जाती चली जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक एलिमिनेटर भी लगा रहता है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर जिसे कहते हैं। वो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर क्या करता है कि यदि पानी की कुछ बड़ी बूंदे आपके हैं तो उन बड़ी बूंदों को ड्रिफ्ट एलिमिनेटर वापस ड्रॉप डाउन कर देता और केवल मॉइस्ट हॉट एयर को ही एटमोस्फेयर को ऊपर भेजता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों प्रकार के जो मैकेनिकल टाइप ऑफ कूलिंग टावर है उसके अंदर बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि हम ड्रॉट को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कूलिंग टावर के अंदर किस तरीके से हम ड्रॉट को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर हम ड्रॉट मेंटेन कर रहे थे बेसिकली पंखा लगा करके, जबकि इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर के अंदर हम मेंटेन कर रहे हैं टॉप पे पंखा लगा करके, अर्थात पोजीशन ऑफ फैन के आधार पर हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इस तरह से विद्यार्थियों मैंने मेरे 3 वीडियोस में आपको कूलिंग टावर की सारी वर्किंग को समझाया है कि किस तरह से हम कूलिंग टावर काम करता है, किस तरह से कूलिंग टावर को क्लासिफाई कर सकते हैं, कूलिंग टावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है, फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर क्या होता है, मटेरियल के आधार पर हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं,
कि ये कंक्रीट टाइप का है, वुडन टाइप का है, ये स्टील टाइप का है। इस तरह से हम कंप्लीटली कूलिंग टावर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। धन्यवाद।